सुर का जब माहौल बनता है तो शब्द खटकते हैं कान कान पे। पर हमने आज तय किया है कि हम थोड़ी चर्चा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मुक्त विचार के एक वातावरण में। और क्षितिज का एक ये उद्देश्य रहा है कि संगीतकारों के बीचों बीच आपसी सवाल जवाब, लेन देन, ऐसा एक इन चीज़ों से भरा हुआ एक माहौल बना रहे। तो आज का मुख्य विषय है सारंगी का इतिहास। मैं चाहता हूं कि मुझसे ज़्यादा आप बोलें, लेकिन कुछ कुछ बातें मुझे ध्यान में आई जब ये जब मैं सोचने लगा इसके बारे में कि एक है कि जहाँ तक राग संगीत का सवाल है, सारंगी के इतिहास को कंठ संगीत से अलग नहीं किया जा सकता है। ये गाना और सारंगी बजाना साथ में चलते आए हैं, और बल्कि गाने वालों में और सारंगी बजाने वालों में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है, बहुत ज़्यादा। और इस संबंध के कई पहलू रहे हैं, कुछ मधुर तो कुछ कठोर भी। मुझे ये कहने की ज़रूरत महसूस हो रही है 21वीं शताब्दी में, क्योंकि पारस्परिक लेन देन और सवाल जवाब के साथ ही साथ गवैयों और सारंगियों के बीच में एक तरह का संघर्ष भी रहा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये सब बातें खुल्लम खुल्ला कही नहीं जाती थी 100 साल पहले। आज हम बोल सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, और ये एक तरह का दबाव भी रहा सारंगी बजाने वालों पर, क्योंकि संगीत जगत में एक तरह की जातिवाद भी थी। गाने वाले समझते थे कि विद्या हमारा क्षेत्र है, बंदिशें हमारे पास है, राग संगीत का ज्ञान हमारे पास है, और सारंगी बजाने वालों के पास है सुर, हाथ की तैयारी, उंगली की सफाई। अब सारंगी बजाने वालों ने इस तरह की विचार शैली के प्रति एक बहुत ही धीरज से, कठिनता से और चतुराई से एक लड़ाई लड़ी है। गुण की लड़ाई है, इसको कहा गया है गुण की लड़ाई गाने बजाने को। और यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आती है मुझे कि एक तरफ से गाने पे सारंगी का भी प्रभाव पड़ा है बहुत। पहली बात ये है कि कई सारंगी बजाने वालों ने बड़ी मुश्किल से कंठ संगीत की तालीम प्राप्त की, और इन लोगों ने अपने कंठ संगीत में अपनी सारंगी की तालीम दिखाई, अपनी सारंगी की तैयारी और तालीम को एक गाने में व्यक्त किया। इस सिलसिले में मुझे पहले उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का नाम लेना पड़ेगा। और जो किराने घराने के उनको किराने घराने का जन्मदाता माना जाता है, और जिनकी आवाज़ की तैयारी में और स्वर प्रयोग में और कुछ हद तक निशब्द स्वर प्रदान दृष्टि में उनकी सारंगी की तालीम दिखती है। यहाँ पे निशब्द कहा मैंने, इसका मतलब नहीं है कि खादिम हुसैन खान साहब के गाने में शब्द नहीं था, शब्द था, लेकिन उन्होंने शब्द को, सुर को आगे फेंकने के लिए छुपा दिया कहीं। यहाँ पे मुझे एक सरंगिये की नज़र अक्सर दिखती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आखिर वाद्य संगीत और कंठ संगीत में बहुत मूलभूत स्तर पे अंतर क्या है? एक है कि कंठ माध्यम से एक ही समय पर शब्द और सुर की निर्मिति संभव है, ये किसी भी वाद्य पे नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स को छोड़ के। आजकल के ज़माने में ये संभव हो गया है कंप्यूटर पे, आगे क्या होने वाला है हमें पता नहीं।
ये जो प्रेम की लड़ाई है वाद्य संगीत और कंठ संगीत में, वो स्वर और शब्द की भी एक लड़ाई है। ऐसे मुझे नजर आ रहा है, मैं ये कोई अंतिम सत्य नहीं है मेरा, नहीं सही है। और साथ में अब्दुल करीम खान साहब के साथ हमें ज़रूर बड़े गुलाम अली खान साहब, पटियाले घराने के, इनको याद करना पड़ेगा। इनकी तालीम गाने में भी थी और सारंगी में भी थी, और गले की सफाई में, गले की आवाज़ को के रखाव में सारंगी नज़र आ जाती है। उसी तरह अमीर खान साहब, जिन्होंने अपना एक अनोखा ही अनोखी शैली जिन्होंने बनाई, वो भी, उनको सारंगी की बहुत अच्छी तालीम थी। बहुत, उनके वालिद साहब सारंगी, बहुत अच्छे सारंगी नवाज थे। और उनकी चैनदारी में, तान की तैयारी में सारंगी नज़र आती है। तो एक तरफ से ये है कि कुछ सारंगी बजाने वालों ने सारंगी को बाजू में रख के कंठ संगीत अपनाया, लेकिन कंठ संगीत में अपनी सारंगी की तालीम दिखाई। ये एक भाग है इस लड़ाई की। दूसरा भाग ये है कि बड़ी जिद से, कठिनता से और बहुत ही दुख सहन करके सारंगी बजाने वालों ने ये निर्णय लिया कि हम सारंगी वादन को एक स्वतंत्र स्वच्छंद स्थान देंगे समाज में, संगीत जगत में, और सारंगी के माध्यम से सब व्यक्त करेंगे। बिल्कुल। इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। सारंगी का जो इतिहास है वो बड़ा पुराना इतिहास है, और जैसा कि इसका वर्णन 13th सेंचुरीज में लिखी गई किताब संगीत परिजात, संगीत रत्नाकर, उसमें एक वाद्य यंत्र का वर्णन है जिसका नाम है पिनाकिनी वीणा या पिनाकी वीणा। तो माना जाता है कि जो उसमें क्या होता था कि एक बैम्बू के कॉर्नर्स की पे तार बांध दिया जाता था, और उसमें भी घोड़े की दुम की बाल से गज बना के उससे बजाया जाता था। तो ये माना जाता है कि दिस कैन बी दी फोर रनर्स ऑफ सारंगी और फोर फादर्स ऑफ सारंगी। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है कि ये सारंगी कहलाया जाने वाला साज है, और सबसे पहले मैं इसकी बनावट पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये जो सारंगी मेरे पास है, अक्सर आप ऐसी सारंगी कहीं देखेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़ी यूनिक सारंगी है, और हमारे घराने की, मेरे दादा परदादा, मेरे वालिद साहब सब ने इसको बजाया। और अब सारंगी थोड़ी छोटी और साइज़ में और अंदाज भी थोड़ा उसका, बनावट का भी फ़र्क है। तो ये जो हिस्सा होता है सारंगी का, जो गोट स्किन या बकरी की खाल से मंडा होता है, ये साउंड बॉक्स है। यहाँ से साउंड निकलकर आप तक पहुँचता है, और ये जो छाती, इसको जिसको बोलते हैं हम, इसका द चेस्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो ये लकड़ी का है सब, और ये एक सिंगल पीस ऑफ हार्डवुड से डिज़ाइन की गई है। बहुत ही स्किलफुल डिज़ाइनर्स होते हैं जो सारंगी को काफ करते हैं एक ब्लॉक ऑफ वुड से, और ये छोटी पैग्स हैं, ये स्ट्रिंग्स जो सिंपेथेटिक स्ट्रिंग्स हैं स्टील के, इनके ट्यून करने के लिए। और तीन मेन गट स्ट्रिंग्स होते हैं सारंगी में, नंबर वन, तीसरा वाला अक्सर वो भी गट स्ट्रिंग होता है, लेकिन मैंने इसको एक चेलो की तार से इसको मैंने रिप्लेस किया हुआ है। अच्छा जी। और ये सारी तरबे और स्ट्रिंग्स ट्यून की जाते हैं जो राग आप बजा रहे हैं, और जो अंदर का जो ये जो तार हैं ये क्रोमेटिक स्केल में ट्यून होते हैं, कोमल तीवर सारे स्ट्रिंग्स इसमें मिलाए जाते हैं। एंड जो इसका बो है वो घोड़े की दुम के बाल होते हैं, फिर एक बहुत लंबी स्टिक ऑफ वुड होती है और एक ब्लॉक ऑफ वुड उसको बांधा जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग धागे से। तो इसको जब आप राइट हैंड में इसको ऐसे फोल्ड करके उंगलियों को होल्ड करते हैं, एंड बाय स्लाइडिंग द बो ऑन द स्ट्रिंग्स यू कैन प्रोड्यूस द बेसिक साउंड आउट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस। लेकिन कोई स्पेसिफिक नोट या कोई मेलोडी बजानी है तो सिर्फ सारंगी की बहुत ज़्यादा ख़ास बात है कि ये नाखून के ऊपरी हिस्से से बजाया जाता है। कोई ऐसा वाद्य यंत्र मैंने अभी नहीं देखा है जो नाखून के ऊपरी हिस्से से बजाया जाता हो,
और ये साइड वेज ऑफ द स्ट्रिंग से के रख कर बजाते हैं। अक्सर आप देखेंगे वायलिन, गिटार, चेलो, सितार, वो टिप्स से बजते हैं यहाँ से। लेकिन सारंगी एक ऐसा यूनिक वाद्य यंत्र है जो नाखून के ऊपरी हिस्से से साइड वेज ऑफ द स्ट्रिंग से आप इसको पुश करते हैं और इसमें से सुर या कोई मेलोडी निकालने की कोशिश करते हैं, जिसका उदाहरण तो इनिशियली इसका बड़ा जो जब आप सीखना शुरू करते हैं तो काफ़ी पेनफुल एक एक्सपीरियंस रहता है आपका, और इसको रखा जाता है राइट नेक्स्ट टू द हार्ट। सो इसलिए कहते हैं कि सारंगी प्लेयर जो बजाता है वो दिल की आवाज़ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो और वाद्य यंत्र बजाते हैं उनकी दिल की आवाज़ नहीं होती, लेकिन इसको क्योंकि रखा जाता है नेक्स्ट, इसलिए कहावत सी बन गई है। और जो सारंगी की जो तालीम है वो सारी गायकी की तालीम है, जो भी आप गाते हैं वो सारंगी प्लेयर की वही सेम तालीम होती है। और मेरे वालिद साहब ने मेरे ख्याल सारंगी में सबसे ज़्यादा संगत की सब घरानों की, और उनको एक ज़माने में संगत सम्राट भी कहा गया। और उनके साथ तो एक ऐसा भी वाकया आया कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी बहुत बड़े गवैये गुजरे अपने वक्त के, तो उन्होंने कहा जी आज मेरे साथ वो सारंगियाँ बजाएगा जो मेरी तान का है। और ये वाकया मुजफ्फरपुर की बात है। तो उनके साथ एक सारंगी प्लेयर राइट की तरफ बैठे, मेरे पिताजी उनसे छोटे थे तो वो लेफ्ट की तरफ बैठे, वो भी उस वक्त के बहुत दिग्गज सारंगी वादक थे अपने ज़माने के। तो मेरे वाले साहब ने कहा नहीं भाई मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं नहीं बजाना चाहता, ऐसी चीज़ नहीं हो कि जिससे कि कुछ माहौल कुछ ख़राब हो। लेकिन उनकी ज़िद थी क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, और ऐसा उनका मानना था कि जी मैं उसी सारंगी को मानूंगा जो मेरी तान कहेगा। तो ये बड़ा मुश्किल बात है कि वक्त पे उसी वक्त गवैये की तान, गवैये का राग, गवैये की बंदिश और गवैये का मिजाज, ये सारी चीज़ देखिए आप, उसी की लय है, सारा कुछ उसका है। आप तो उस वक्त बैठे हैं उसके साथ और उसी का सुर भी आप नहीं। तो मैंने तीसरे सफेद में अपने मिजाज से मैं बजा रहा हूँ, लेकिन जब संगत करते हैं तो उसका मिजाज आपको चेंज करना होता है, एटीट्यूड चेंज करना होता है, एक अप्रोच होती है सारंगी की वो चेंज करनी होती है। उसमें आपका एक कॉम्प्लीमेंटिंग रोल होता है, यू आर नॉट द मोस्ट फोकस्ड पर्सन ऑन द डायस एट दैट टाइम योर रोल। सो देर आर टू डिफरेंट रोल्स ऑफ अ सारंगी प्लेयर, वन इज़ दैट ही इज़ प्लेइंग अ सोलो इंस्ट्रूमेंट एंड देन ही इज़ अकंपनिंग अ वोकलिस्ट। जब वो अकंपनी कर रहा है उस वक्त उसका रोल एक कॉम्प्लीमेंटिंग रोल है, जिसमें वो गाने को उजागर करता है, उसको सजाता है, उसके गाने को चार चांद लगाने की कोशिश करता है। ये नहीं कि उसके गाने को दबा दे या ओवर शेडो कर दे या ज़्यादा बजाए, बल्कि ज़्यादा बजाना भी इस अंदाज से है कि उसके गाने में उसको सपोर्ट मिले, उसके साथ ये ना हो कि उसका गाना ही ख़राब कर दिया, बेचारा अपना मिजाज से ही भटक गया। तो ये संगत में, इसलिए मेरे पिताजी को लोग संगत में पसंद करते थे, और उन्होंने उस वक्त के सारे बड़े बड़े कलाकार, उसमें चाहे बड़े गुलाम अली खान साहब हों, अमीर खान साहब हैं, फादर ऑफ रहीम फहीमुद्दीन साहब के वालिद रहीम फहीमुद्दीन डागर साहब के बड़े फेवरेट सारंगी प्लेयर थे, वो सीनियर डागर्स के साथ बहुत बजाया उन्होंने। तो मेरे ख्याल है वो ऐसे एक सारंगी थे जिन्होंने सारंगी में सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा, और ही वॉज द फेवरेट सारंगी प्लेयर टू वोकलिस्ट। बल्कि ऐसा भी हुआ कि वोकलिस्ट ने अपनी कॉन्सर्ट की डेट आगे पीछे करा दी कि मुझे जी साबरी खान साहब मुझे चाहिए संगत पे। तो जब ओमकरनाथ जी बैठे उन्होंने गाना शुरू किया, और उन्होंने ये दिखाना था कि संगत कैसे होती है सारंगी पे, तो वो इस चीज़ में वो अड़ गए कि नहीं आज मेरे साथ वही बजाएगा जो मेरी तान का है। तो एक सारंगी पे थे अपना बनारस के सारंगी वादक, और मेरे पिताजी लेफ्ट पे उनसे छोटे थे तो वो बैठ गए। अब उन्होंने गाना शुरू किया, बड़ा गाना होता रहा, लेकिन जब तान की बाजी आई, तानकारी सारंगी में एक बहुत ही मुश्किल काम है कि वो उसको समेटना और उसको कंट्रोल करना और कंट्रोल करके बजाना, गाने में भी उतना ही मुश्किल है तो सारंगी में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आप उसकी तान कह रहे हैं जो गवैया कह रहा है उस वक्त, उसको करना काम को किसी की
दूसरे के दिल के काम को करना ज़्यादा मुश्किल है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि अपना तो आप अपना रियाज करके आ गए, अपने चार ताने आपने गाने की तैयार की हुई हैं, अपने घराने के हिसाब से गा रहे हैं, लेकिन सारंगी को तो उसी वक्त उस अंदाज से तान कहनी है जैसे आपने गई है, और विद अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो वैसी अदायगी हो जैसे आपने अदायगी की है, तो उसका काम फिर डबल हो जाता है। तो जब फिर पहले ओमकरनाथ जी ने कहा कि जी मैं तान कह रहा हूँ, पहले साबरी खां कहेंगे, फिर दूसरे सारंगी वादक बैठे थे आप कहेंगे, तो वैसे ही पिताजी ने, मेरे वालिद साहब ने तान कही, फिर उनका नंबर आया, तो उनसे वैसे नहीं हो पाई। तो कहने लगे दो तीन ताने होने के बाद कहने लगे जी ऐसा है, वैसे नहीं कह रहा है आप जैसे साबरी खां साहब संगत कर रहे हैं मेरी। तो फिर मैं कहता हूँ, फिर उन्होंने ज़बरदस्त तान कह के छोड़ी, मेरे वालिद साहब ने वैसे कह के रख दी, उनसे हुई नहीं। तो कहने लगे जी आज सारंगी वो बजाएगा जो मेरी तान कहेगा, वरना मैं उठा दूंगा सारंगी को। ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। तो अब देखिए ऊपर वाले ने उनकी इज्जत रखनी थी, अब वो बहुत दो चार बार ऐसा हुआ, अब वो तान उनसे नहीं हुई। तो कह लेंगे जी आपको सारंगी लेके उठ जाना चाहिए, साबरी खां साहब मेरे साथ संगत करेंगे। तो ये संगत का जो एक माहौल है, एक मिजाज है, वो जब ही हो पाता है जब सारंगी प्लेयर ही हैज़ टू इनरिच हिमसेल्फ विद डिफरेंट घरानाज ऑफ गायकी। उसकी जो म्यूज़िकल तालीम होती है वो एक गवैये से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो सबके साथ संगत कर रहा है, उसको आगरे की भी बंदिश पता है, तो उसको दूसरे घराने की भी बंदिश पता है, पटियाले की भी पता है, रामपुर सहसवाने की भी बंदिश पता है, उनकी गायकी का अंदाज भी पता है। लेकिन वो सारंगिया फिर परिपक्व जब होता है, जब वो इन सब रास्तों से गुजरे सारे गवैयों के साथ संगत करता हुआ आगे बढ़ता रहे, तो सारंगी का जो पहचान और जो एक उसका इम्तहान होता है वो गवैये के साथ होता है कि वो संगत कैसे कर रहा है। तो आपकी दुआ से मैंने बचपन से मैं संगत करता हुआ आ रहा हूँ, और परवीन जी, परवीन सुल्ताना जी, गिरजा देवी जी, जितने भी बड़े बड़े, और फहीमुद्दीन डागर साहब के साथ भी मैंने आपकी दुआ से, और जो हमारी सीनियर मोस्ट गायक थी धारवाड़ की, उनके साथ भी मैंने बजाया, गंगूबाई हंगल जी। बल्कि एक वाकया सुनाता हूँ कि गंगूबाई हंगल जी के साथ जब मैं बजाने बैठा, तो उनकी नॉलेज देखी है म्यूज़िक की, तो मैंने उनको बताया नहीं मैं किसका लड़का हूँ, किसका शागिर्द हूँ। तो मैंने कहा मैं माता जी आपके साथ मैं बस संगत क्या करूँगा, बैठूँगा थोड़ा सा। तो कह लेंगे बेटा मियाँ की मल्हार मिला लो, मल्हार का टाइम था, फिर मैंने मिला ली। और उस वक्त जब हम लेडीज़ के साथ संगत करते हैं, तो एक और तरीका होता है संगत करने का, कि आप बीच के तार को सा मान लेते हैं। ये सबसे मुश्किल अंदाज होता है, इसको बोलते हैं ठट अंदाज। तो ये हर सारंगिया नहीं बजा पाता, मेरे वालिद साहब इसके बहुत बड़े उस्ताद थे कि वो बीच के तार को सा मान के और कैसी भी संगत उसमें वो करते थे। तो उन्होंने मुझे भी उसमें तबर्रुक मुझे मिला था उनसे, तो मैं शुरू हो गया। कहेंगे बेटा छेड़ो ज़रा राग मियाँ की मल्हार, मैं कोशिश करी मैंने थोड़ी, तो बजाते रहे, तो सब गाना उन्होंने शुरू किया, तो ऐसे करके उन्होंने मुझे सुनना शुरू किया बड़ी देर। कहेंगे बेटे तुम साबरी खान साहब के लड़के हो, तुम उनकी शागिरद हो? मैंने कहा जी मैंने तो बताया नहीं आपने। कहेंगे वो तुम्हारे अंदाज से। तो गाने वाले को देखिए सारंगी में उतना इंटरेस्ट कि ये कैसी संगत कर रहा है, ये बात क्या बात, किस अंदाज से संगत कर रहा है, मेरी जगहों को कैसे कह रहा है। क्योंकि हर के साथ आजकल तो सारंगी की इतनी किसी को पता ही नहीं है कि जी कैसे संगत होगी क्या होगी, ज़्यादातर हारमोनियम ने अब उसकी रिप्लेसमेंट कर ली है, उसमें दोनों चीज़ें हैं, गवैये को भी थ्रेटन महसूस होता है और हाँ और सपोर्ट मिल जाता है हारमोनियम से, और सारंगी प्लेयर भी ऐसे होते हैं कि जो चढ़ने की कोशिश करते हैं गवैये पर। तो मैंने इस तरह से संगत की, तो उनकी मैंने ये देखा कि क्या नॉलेज है, कि उन्होंने फ़ौरन बोल दिया जी कि बेटे आप उनके शागिर्द हो या उनके बेटे हो आप। मैंने कहा जी मैं उनसे सीखा हूँ और मैं उनका। तो इस तरह के वाकई मेरी ज़िंदगी में पेश आए। और सारंगी और गाना, ये तो चोली दामन का साथ रहा है शुरू से, क्योंकि गाना खिलता ही सारंगी के साथ है। अगर अच्छा संगतकार बैठा है तो वो गाने को आपको चार चांद लगाएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, और अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर वो अच्छा संगतकार नहीं है। मेरे वालिद साहब का एक जिक्र है कि वो एक बार किसी के साथ बजा रहे थे, और मुझे बाद में बताया उन्होंने कि ये राग मुझे पता नहीं था,
लेकिन ऐसी संगत कर रहे थे जैसे गाने वाले ने कहा कि खान साहब आप तो ऐसे बजा रहे थे जैसे मैंने, जैसे ये राग आपने सीख रखा हो। तो संगत वो होती है, और उसी तरह गायकी और सारंगी का शुरू से साथ रहा है चोली दामन का, और अच्छे अच्छे सारंगी प्लेयर्स ने गाने वाले तैयार किए, जैसे आमिर खान साहब के वालिद सारंगी वादक थे, बड़े गुलाम अली खान साहब के वालिद सब सारंगी वादक, और सारंगी की सारी तालीम सब गायकी में उतार दी उन्होंने। और जनाब अली गिरजा देवी जी ने जिससे सीखा, सारंगी वादक ने जिस गवैये को बनाया वो बड़ा परिपक्व गवैया बना, और राजन साजन भाई गा रहे हैं, उनके वालिद साहब सब सारंगी नवाज रहे जी। अभी कमाल भाई की ये बात सुन के मुझे लग रहा है कि एक सफल सारंगी बजाने सारंगी होने के लिए एक बहुत ही विशेष प्रकार की बुद्धि ज़रूरी है। बहुत एक एक गायक गायक एक गायकी की साधना करके उसमें सिद्धि पाके अपनी महफिल जमा सकता है, लेकिन सफल सारंगी होने के लिए आपको 10 गायकियों गायकों के साथ संगत करनी चाहिए, जो ट्रेडिशनल तरीका है। अब ये कि लोग 4-5 ताने आ गई वो सारंगी सोलो बजाने लगते हैं, लेकिन वो फिर नॉलेज उनकी एक लिमिटेड नॉलेज होती है वो, और इनके कई स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होते हैं जिसमें आप एक अच्छा नगमा बजा सकते हैं, अच्छी सारंगी बजाई आपने और अब डांस के साथ अच्छा नगमा बजा रहे हैं, तबले के साथ अच्छा नगमा बजा रहे हैं। कुछ सारंगी प्लेयर्स होते हैं जो गज़ल अच्छी बजा लेते हैं, गज़ल की गायकी बजा ली उन्होंने। कुछ सारंगी प्लेयर ठुमरी दादरे के होते हैं जी, ये बोल बनाओ पेश कर रहे हैं, उसमें बोल काटने का अंदाज होता है वो, कुछ ख्याल ध्रुपद सबकी संगत करते हैं। उसके लिए फिर आपको फिर मेहनत वैसी करनी होती है, वैसी गुरु का ढूंढना होता है, उसी ऐसे उस्ताद को ढूंढें जो चारों पट की सारंगी जिसके अंदर हो और वो हर अंदाज की सारंगी बजा सके। वाह, क्योंकि इसे सौरंगी कहा गया तो ध्रुपद ख्याल ठुमरी कजरी चैती फोक गज़ल कव्वाली फिल्म सॉन्ग ये सब बजाना आना चाहिए आपको, सारंगी पे सब में ढलना आना चाहिए, जब तो आप एक कंप्लीट सारंगी प्लेयर हैं, वरना लिमिटेशन अब हो जाती है। कुछ अक्सर ये भी होता है कोई अच्छा गुरु नहीं मिल पाया, या जस्तुजू उतनी नहीं थी, कोशिश उतनी नहीं रही, तो उसमें कामयाबी नाकामयाबी सब ऊपर वाले के हाथ में। मैं मानता हूँ कि आदमी की कोशिश हमेशा अच्छे से अच्छे करने की और आगे से आगे बढ़ने की रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी एक मिनट माइक चालू कर, नहीं ये सब नहीं, इनकी भी आवाज़ बहुत बढ़िया, ये कजरी गाते हैं जी जी स्मिता जी। सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी। जैसे आनंद भाई जी ने और कमाल भाई जी ने बहुत अच्छे से सब समझाया हम लोग को कि गायक का और सारंगी एज एन इंस्ट्रूमेंट का चोली दामन का साथ है, और सारंगी वादकों ने बहुत परिपक्व गायक भी तैयार करे। तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये शुरू से जो ये संबंध रहा गायक और सारंगी वादन का जी, ये क्या इसलिए भी हुआ होगा कि सारंगी जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन वॉइस। कभी कभी सारंगी सुनते हुए ऐसा लगता है कि कोई गा रहा है। तो ये भी इस पे भी हम लोग कुछ ध्यान दे सकते हैं कि इस वजह से आप कुछ ऐसी रिकॉर्डिंगें सुनेंगे किशोरी अमुनकर जी की जिसमें मेरे वालिद साहब बजा रहे हैं, तो ऐसे ही लगेगा जैसे दो औरतें गा रही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ह्यूमन वॉइस ही है। तो ये भी तो ये क्लोजेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन वॉइस के, और जो इंसानी आवाज है उसमें जो सबसे ज्यादा नजदीक तरीन साज अगर माना जाता है तो वो सारंगी को माना जाता है, और सारंगी ही गायकी की जो नुएंसेस हैं वो पूरी करती है। वाह, नहीं इस सिलसिले में मुझे हारमोनियम की भी कुछ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब से हारमोनियम आ गया हमारे संगीत में तब से कुछ परिवर्तन आ गया है। हारमोनियम के खिलाफ मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी लेता हूँ हारमोनियम अपने गाने में, लेकिन हाँ बैन हो गया था यहाँ, मैंने यही सुना मना था। हाँ हारमोनियम सारंगी प्लेयर ही होते थे, और उसमें सारंगी प्लेयर्स का भी अपना एक दोष रहा, थोड़ा गायक भी थोड़ा उससे थ्रेटन महसूस करने लगे। कुछ सारंगी प्लेयर्स ने इस तरह से संगत करनी शुरू कर दी
कि जैसे वो बिल्कुल ही मतलब चाहे नहीं भी हो रही है, तान समझ नहीं आ रही, तो फिर वो अड़े जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं उसमें तान में, तो इस तरह से वो गाने को भी डिस्टर्ब करने लगे, तो गाने वाले भी डरने लगे कि भाई ये अगर मेरा प्रोग्राम ख़राब हो गया तो क्या। तो फिर हारमोनियम पे लोगों ने काम करना शुरू किया, साउंड पे काम करना शुरू किया, अच्छी संगत करने की कोशिश की, सारंगी प्लेयर्स को फॉलो करने की कोशिश की, तो उसमें फिर सारंगी ने गाने की रिप्लेसमेंट गाने के साथ शुरू की, और उसमें एक सपोर्ट भी मिल जाता है गाने वाले को, सुर भी भर के मिल जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गवैया शायद नहीं चाहता कि जी वो मेरी कॉपी करे, बस एक लिमिटेड अपना संगत होती रहे जिसमें मुझे सुर की सपोर्ट मिलती रहे, और ज़्यादा मुझे कोई ऐसी संगत नहीं चाहिए कि मेरी तान भी कहे और मेरी बारीकियाँ भी कहे, उसकी कहने की उसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर सारंगी प्लेयर का एक सेट स्टैंडर्ड बना हुआ है जी सभी चीज़ें कहनी है, भाई नहीं भी कहो कुछ चीज़ें छोड़ दो आप अगर नहीं समझ आ रही, उसमें कोई आपका कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी हो रहा है, पर नहीं छोड़ दीजिए उसकी। हारमोनियम पे जो अटूट स्वर जो मिलता है कंटिन्यूस सुर, वो सारंगी पे भी संभव है, सारंगी पे मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन सारंगी प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से दे रहा है उसको, वही हारमोनियम का तो काम ही सुर देना है, सारंगी प्लेयर पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसकी संगत कर रहा है। और हारमोनियम के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक पश्चिमी वाद्य है, वो हाँ वो मिशनरीज लाए थे यहाँ पर जहाँ जब चर्च हुआ शुरू हुआ तभी, ऑर्गन का एक स्वरूप है वो, और वो भी एक सरस्वती का स्वरूप है बेशक, और अच्छी अच्छी हारमोनियम वादक हुए जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छी अच्छी संगत की हारमोनियम। हमारे संगीत की बहुत बुनियादी बातें हैं जो हारमोनियम पे संभव नहीं है, मींड संभव नहीं है, गमक संभव नहीं है, लेकिन वो मेरे ख्याल है गवैया चाहता भी नहीं कि कोई अब आज के गवैया कि जी मेरी मींड का है और मेरी गमक भी का है, भाई इतना सपोर्ट मिल जाएगा जी मेरी, बस सपोर्ट मिलती रहे मुझे सुर की, भाई इतना काफ़ी है, कोई मुझे कोई दो दो कॉन्सर्ट थोड़ी करनी है कि जो मैं कह रहा हूँ ज़रूरी है उसने कहनी है बात, मैं छोड़ दे नहीं क्या है, वो सिर्फ हारमोनियम पे मुझे सुर मिल जाए मैं अपनी प्रेजेंटेशन करूँ। और हर एक राग का एक सुर का जो अंदाज अलग होता है, हाँ वो हारमोनियम पे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, हर राग की एक अलग अप्रोच होती है और उसी अंदाज से उसकी बढ़त होती है। आनंद भाई आपका क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे कंठ संगीत में शब्द है, बोल है, पर सारंगी पे उन शब्दों की भी एक छाया पड़ती है, नजर आती है, बिल्कुल, और फिर स्वरों को स्वरों का अपना एक स्वच्छंद जीवन वहां से आरंभ हो जाता है। तो आज से 2000 साल पहले लगभग भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में ये कहा था कि संस्कृत में पूरा याद नहीं मुझे, श्रेष्ठ गाना है, गाने की कला श्रेष्ठ है, फिर बीच में है वाद्य और फिर नृत्य, कनिष्ठ नृत्य। अब इसको कोई सनातन सत्य मानना जरूरी नहीं है, ये इन्होंने किसी कारण किसी गाने वाले को खुश करने के लिए कहा होगा या किसी कारण से कहा होगा। एक कारण ये है कि शब्द और सुर की निर्मिति संभव है कंठ संगीत में, ये कई संस्कृतियों में मानी गई बात है इसलिए। लेकिन सारंगी वादकों ने इस कथन को गलत साबित किया है मुझे लगता है। नहीं सारंगी वादक नहीं, आज तबला प्लेयर भी देख लीजिए जाकिर हाँ। भाई गलत साबित कर रहे हैं उस चीज़ को कि वो आज बजाना जो है सबसे ऊपर वो हुआ है जनाब अली, उनको कौन तबले पे रखेगा नहीं ताल सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ तो ऐसे ऐसे ये तो वक्त की बात है कि वो उस वक्त की ज़रूरत होगी, ये कहावत प्रचलित हो गई। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ऐसा मैं कमी मानता हूँ कि सिर्फ जो है वो आजकल म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इतना अच्छा म्यूजिशियंस काम कर रहे हैं और गाने के साथ साथ एकल वादन भी उनके और उनकी वजह से शायद गाने को भी चांस मिल रहा है, वो भी आगे आ जाते हैं, तो हर वक्त उस वक्त की वो ज़रूरत थी वो कहावत बनी, आज के दौर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो आज के माहौल की कहावत कि भैया जिसको ऊपर वाला इज्जत दे वो आगे। पर आज की तारीख में कितने शागिर्द तैयार होते हैं सारे की बात, मतलब माइक पे पूछे ना ताकि सुनाई दे सके। आज की तारीख में कोई भी कॉन्सर्ट में आप जाओ, 20 कॉन्सर्ट में जाओ, शायद एक कॉन्सर्ट में शायद एक सारंगी आपको सुनने को मिले, तो ये भाई उसमें ये भी है कि अच्छे सारंगी प्लेयर जो अच्छी तालीम देते थे जिनको सिखाने का शौक भी था वो भी खत्म हो गए, अब जो है उनको सिखाने का कोई शौक ही नहीं है,
ना वो सिखाना चाहते। तो फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, जैसे क्योंकि क्योंकि जो है वो अच्छा काम कर रहा है और वो आपकी खिदमत करने के लिए आज आपके सामने भी बैठे हैं। आगे बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ, मेरे आज के दौर में मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सारंगी प्लेयर्स तैयार किए हैं वो मेरे वालिद साहब, पिताजी हैं मेरे, जिनके शागिर्द न सिर्फ इंडिया में हैं बल्कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने डैनियल एम न्यूमैन जीते थे अपना UCLA के वाइस चांसलर, वो पिताजी के मेरे शागिर्द थे, रेगुला कुरैशी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में और आसा कोई माई जैपनीज अपना जापान में यूनिवर्सिटी में चाइना में। तो ये आजकल यूनिवर्सिटीज़ में सारंगी सिखाई जा रही है, मैं जाता हूँ सिखाता हूँ, और पोलैंड में हैं मारिया पोम्यूनुस्का, तो वो सारंगी सीखती थी, उन्होंने सारंगी सीखने की वजह से एक पोलिश इंस्ट्रूमेंट था उसको रीडेवलप किया बिकॉज ऑफ द टेक्निक ऑफ सारंगी, क्योंकि ये जो टेक्निक है सारंगी की जो नाखून से बजाने जाने ये सदियों पुरानी टेक्निक है, और ये इस टेक्निक से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र था पोलैंड में जिसका नाम था सुका। तो उन्होंने बिकॉज ऑफ सारंगी उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ रीडेवलप किया, उसको दोबारा बजाने की कोशिश की और उसको वो बजा रही हैं बिकॉज ऑफ लर्निंग ऑफ सारंगी, सारंगी की टीचिंग। वो मेरे पहले पिताजी से सीखती थी आके, उन्हीं से सीख के गई और अब यूनिवर्सिटी ऑफ कराको में वो प्रोफेसर हैं, तो मैं भी गया कराको म्यूज़िक कॉलेज में, वहाँ मैंने मेरी मास्टर क्लासेस की और काफ़ी यूरोप वगैरह में हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में डेनिश म्यूज़िक एकेडमी में काफ़ी मैंने क्लासेस की और मास्टर क्लासेस की, बहुत सफल रही सारी क्लासेस। और अब तो सारंगी प्लेयर्स काफ़ी मेरे ख्याल यंगर जनरेशन में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारंगी ख़त्म हो गई है, बहुत लोग सारंगी सीख रहे हैं और सारंगी की बजाने की अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उस्ताद उस लेवल के उस्ताद लोग जैसे कि मेरे वालिद साहब थे और वो अब बहुत कम रह गए हैं, और जो हैं उनको कोई सिखाने का कोई शौक़ नहीं है, वो अपने में रहते हैं। क्योंकि आज बैठक करने जाओ कभी बोलो कि सारंगी कैन बी अ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, मोस्ट सिंगर्स से दैट आज आज की तारीख में बंबई में एटलीस्ट कोई अच्छा माइक पास में रखिए, सो अच्छा कोई सारंगी अकंपेस करने वाला है नहीं शहर में, और मेरे ख्याल शौक भी नहीं है अकंपनीमेंट, क्योंकि अकंपनीमेंट वाकई में एक बहुत मुश्किल तरीका है कि कैसे सही अकंपनीमेंट उसको कहीं सही तरीके से कैसे करेंगे आप, और अगर वो सही से करेंगे तो लोग ज़रूर उनको मानेंगे प्यार करेंगे, और अगरचे अच्छा गवैया भी बैठा हो साथ में और उसकी तान हो तो बड़ा मज़ा आता है, हाँ बड़ा बड़ा मज़ा आता है सारंगी की अगर संगत हो। दिलशाद माइक माइक दिलशाद साबिर दिलशाद साबिर फारूक लतीफ संदीप एंड संगीत ऑल दिस फाइव आर स्टेशन्ड इन बॉम्बे। उनके कहने का मतलब है क्या वो अच्छी संगत करते हैं कि नहीं, वो ये कह रहे हैं कर रहे हैं धीरे धीरे थोड़े जो हैं सोलो में आ गए हैं, दे कंसंट्रेट ऑन सोलो, दैट्स द रीजन, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, साबिर एंड दिलशाद थोड़ा सा बजा के आप सोलो तो बजा रहे हैं लेकिन सारंगी की जो अक्सर जो सारंगी प्लेयर का जो मिजाज देखा जाता है और उसकी जो तालीम का पैमाना नापा जाता है वो संगत से नापा जाता है। पर इसका गणित देखिए, बंबई में गाने वाले कितने हैं और पांच सारंगी बजाने वाले हैं, और हारमोनियम बजाने वाले कितने हैं बंबई में, बहुत से लोग जैसे अभी साहब ने बताया, बहुत से लोग सारंगी लेना भी नहीं चाहते, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि सारंगी ना लें, क्योंकि क्या है हारमोनियम में उनको बहुत आसानी हो जाती है गाने वाले को, हारमोनियम हाथ रखा अपने साथ आपको मिल गया पूरा का पूरा भरा हुआ है, अब आपको सारंगी के साथ तो आपको पूरा का पूरा आपको भी खुद गाने के लिए भी तो उस सारंगी के साथ गाना भी तो आसान काम नहीं है। हाँ भाई ये बात, उसकी आदत डालनी पड़ती है उसके, तो उसकी मिजाज को समझना होता है। अगर गवैया ये चाहे कि सारंगी बजे तो ज़रूर बजेगी, ऐसी बात नहीं है, सारंगी वाले हैं बजाने वाले,
बहुत से लोग, और बहुत से तो अभी चाहे जो पांच नाम लिए उसमें दो तीन आदमी तो सोलो की तरफ ही रह रहे हैं। एक सरंगी वालों की थोड़ी सी कमी है कि वो उनको गाने के साथ बजाना चाहिए, वो पेशेंस ही नहीं है भाई। अब नहीं हम नहीं, अब तो अब हम सोलो ही करेंगे प्रोग्राम। नहीं, सोलो ठीक है, इस चीज से जरा सा डिक्लाइन होता है हर चीज तो जरा सा। सोलो की भी जो मैंने शुरू किया था सबसे पहले सोलो बजाना कि भाई मैं सोलो बजाऊंगा, लेकिन उसका रीजन ये था कि लोगों को सारंगी के बारे में बता सकें। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने संगत नहीं की, मैंने शुरू से पहले संगत शुरू की और मैंने गज़ल की संगत की, हरी भाई पंकज भाई सबके साथ मैं बजाया और गुलाम अली जी के साथ। अब मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग है, 20 साल की उम्र में मैं या 18 साल की उम्र में मैं गुलाम अली भाई के साथ बजाया था। और उसके बाद फिर मैंने ख्याल की बहुत संगत करी, मैंने सबके साथ जितने आज के गवैये हैं सबके साथ मैंने गाया बजाया, और ध्रुपद की संगत करी मैंने, इसीलिए कि मुझे ध्रुपद के साथ सारंगी बजानी आया, उसका अंदाज़ मुझे समझ में आया। और डागर साहब के साथ मैंने बहुत बजाया, बल्कि मैंने उनके साथ यूरोप का पूरा टूर किया था जिसमें 25 कॉन्सर्ट्स हमने की थी। तो लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि अपने से बड़े के साथ बैठूं संगत करने, ताकि कुछ मुझे सीखने का अंदाज़ मिले, कुछ उनसे सीखने को मिले, वो मुझे कुछ बताएँ, ताकि आगे मेरे काम में तरक्की हो, मुझे नॉलेज में मेरे इजाफा हो, मेरी मालूमात में। क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा संगत ऐसी चीज़ है जो करने से आती है, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो जितनी करते रहोगे आप, ये एक तजर्बा है, एक एक्सपीरियंस है जो करने से आपको आगे आगे आता रहेगा, आप उसमें निपुण होते रहेंगे। लेकिन उसके बाद ये ज़रूरी था कि मैं अपने आप को वहाँ स्टिक ना कर दूँ कि एक संगतकार के रूप में, मुझे बड़ा ज़रूरी था कि लोगों को इन्फॉर्म करूँ कि सारंगी क्या वाद्य यंत्र है, सारंगी क्या कर सकता है और इसकी अप्रोच क्या होती है। इसलिए फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया दैट आई नीड टू इन्फॉर्म पीपल एंड गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड इन्फॉर्म अबाउट द लिमिटेशंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस ऑफ सारंगी, कि ये वाद्य यंत्र क्या है और क्यों इसको संगत में बजाया जाता है और क्यों इसको सोलो बजाया जाता है। मेरे उसके करने का कारण सिर्फ ये नहीं था कि ये नहीं था कि मैं सिर्फ सोलो बजाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने बुज़ुर्गों के साथ हमेशा अच्छी प्यार से उनसे सीखने की कोशिश की और उनके साथ बैठ के ये कोशिश करी कि इनसे मैं कुछ सीख के उठूं। जैसा कि हाँ साहब ने कहा कि कुछ ऐसे गवैये भी हैं जो थोड़े थ्रेटन्ड महसूस करते हैं कि भाई सारंगी आ गई तो यार हमें तो आदत ही नहीं है इसके साथ गाने की, तो पहले तो हम अपनी आदत बनाएं। और सारंगी को भी ये चाहिए कि गाने के साथ संगत शुरू में, शुरुआती दौर में बहुत ज़रूरी है संगत, क्योंकि उससे आदमी के अंदर सारंगी प्लेयर एक परिपक्व सारंगी प्लेयर बनता है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सारंगी प्लेयर बनता है और उसको समझ में आता है कि टुमरी कैसे बजनी है भाई, कजरी कैसे बजनी है, कैसे बोल कटेगा, ख्याल कैसे होगी और इस घराने में ये तान किस तरह ली जाती है, ये कौन से घराने की बंदिश है। जब तक आप ये बजाओगे नहीं आपको समझ कैसे आएगी कि ये इस घराने की बंदिश गा रहे हैं जी, ये इस घराने में मियाँ की टोली में ये उस घराने की बंदिश है, ये तान जो है ये खान साहब। बल्कि बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ तो एक वाकया भी मशहूर है कि एक तान उन्होंने कही तो सारंगी ने कह दी, फिर सारंगी ने तान कही तो सारंगी की भी तान कह के रख दी उन्होंने वैसी की वैसी। तो ये आदान प्रदान होता था एक ज़माने में कि सारंगी बज रही है तो उनको मज़ा आ रहा है, और सारंगी अगर अपनी तालीम दिखा रहा है तो उससे डरे नहीं, वो उसकी भी तान कह गई बेटा यही कह रहे थे तुम, ये गवैया होना चाहिए जी, ऐसे तान गए तो अच्छा। अब सारंगी को जोश आया कि जी मैंने भी अपनी तान कह दूँ, अपने रियाज दिखा दूँ, तो उन्होंने तीसरे सप्तक की गई तो उन्होंने तीसरे सप्तक की कह के एक मिनट में कह के आ गए, वो एक सेकंड में उन्होंने तान मारी है और तीसरे सप्तक कह के आ गए नीचे तक। तो ये गवैया होता था उस वक्त। तो मेरा ऐसा मानना है कि टाइम फिर से दौर आता है, एक साइकिल है, साइकिल है, हाँ फिर से वो दौर आएगा ज़रूर। मैं यही सोच रहा था कि समाज में परिवर्तन होता है तो भला के लिए होता है, बुरा के लिए भी होता है। अब आज मैं गायक होके एक सारंगी वादक का सत्कार कर रहा हूँ, ये संभव है। क्या बात? सारंगी यहाँ तक पहुँच गया है, इतिहास में काफ़ी प्रगति हुई है उसमें, हमारी कुछ नहीं है, बड़े बड़े सारंगी प्लेयर हुए हैं उनकी, उनकी देन है सर। मैं ये भी हम तो ये भी हमें कर रहे हैं बस। देखना है कि बम्बे में 5 सारंगी बजाने वाले हैं और 1000 हारमोनियम बजाने वाले हैं और बहुत सारे गाने वाले हैं, और आजकल के शिष्य भी हैं वो हारमोनियम पे रियाज करते हैं। अब शास्त्र की दृष्टि से या हमारे एक्सपीरियंस से हमें मालूम है कि ये श्रुतियों का संगीत है, ये खड़े स्वरों का संगीत नहीं है। वेस्टर्न म्यूजिक जैसे हारमोनियम कीबोर्ड जो बना है वो कॉर्ड के लिए बना है,
हारमोनी के लिए बना है और उनका शास्त्र, उनके शास्त्र में वो लोग बहुत पक्के हैं। वाह वाह वाह, हमसे बहुत ज़्यादा पक्के हैं पश्चिमी क्लासिकल म्यूजिशियंस। वो माइक्रोफोन को भी नहीं मानेंगे कि ज़रूरत नहीं है भाई। तो हम लोग ज़रा पीछे पड़ गए इन बातों में। श्रुति ज़्यादा से ज़्यादा वायोलिन पे संभव है, पर संभव है, श्रुति बजाना संभव है। सारंगी में आपको जो रिचनेस मिलेगा टोन का और जो एक खानदानी खानदानी खानदानीपन है, वो नहीं मिलेगा। लेकिन हारमोनियम पे ये नहीं है संभव। तो सभी का गाना भी ऐसे हो गया, हम सुर को बहुत अलग तरह से देखने लगे हैं, खड़े खड़े देखने लगे, स्वरों को अलग देखने लगे हैं। बल्कि हमारा संगीत स्वरों के बीचों बीच जो होता है वो है। ठीक कह रहा हूँ मैं? लेकिन मेरे ख्याल है हर दौर में एक रहा है। इस दौर में भी अच्छे अच्छे गाने वाले हैं और अच्छा, आप माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हैं आनंद भाई, खुद अपने आप में पुराने बुजुर्गों की गायरी, खान साहब बैठे हैं, उस्ताद लोग बैठे हैं, तो इस ज़माने में भी अच्छे अच्छे लोग हैं और अच्छा अच्छा गाना गा रहे हैं। बस हमें क्या करना है कि इसको कंपेयर नहीं करना है कि जी कि बॉलीवुड के ज़्यादा फ़ैन हैं और क्लास, ये तो शास्त्रीय संगीत है, इसका शुरू से ऐसे ही रहा है। बड़े गुलाम अली खान साहब के ज़माने में मेरे ख्याल है के एल सहगल साहब के ज़्यादा फ़ैन थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि बड़े गुलाम अली खान साहब पॉपुलर कम है। वो तो एक वो जॉनरे अलग है, उसको कभी हमें मिक्स करना ही नहीं चाहिए। वो जॉनरे पॉपुलर जॉनरे, इजी म्यूज़िक टू अंडरस्टैंड, ये शास्त्रीय संगीत है जैसा शास्त्रों में लिखा है, क्लासिकल संगीत है, इसके शुरू से सुनने वाले सेलेक्टेड लोग रहे हैं और इसको आप आम बना भी नहीं सकते और बनाना भी नहीं चाहिए। एक सवाल। हाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सुजय, माइक देना। जब हम इलाहाबाद में बड़े हो रहे थे 64-65 में, फिर से बोलिए ना, जब आप इलाहाबाद में बड़े हो रहे थे। हेलो, जब हम इलाहाबाद में बड़े हो रहे थे 64-65 में, तो तब इलाहाबाद का मिडिल क्लास कल्चर ये था कि सब मिडिल क्लास लोग बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, बहुत तब फैला हुआ शहर था, ज़मीन उमीन बहुत ही बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, और जो वर्किंग क्लास लोग थे वो शागर पेशे में, जिसको कि सर्वेंट क्वार्टर्स कहा जाता है, वहाँ रहते थे। तो हमें ये याद है कि उस सागर पेशे में रिक्शे वाले बहुत रहते थे, और हमारे बंगले के सागर पेशे में, और रात में जब वो अपना रिक्शा विक्शा चला के घर आते थे तो एक इंस्ट्रूमेंट वो बैठ के अपने दरवाजे के बाहर बजाता था और वो बिल्कुल सारंगी जैसा लगता था। फोक सारंगी हो सकता है वो। तो यही मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ये जो रिफाइंड सारंगी है, हाँ, इसकी उत्पत्ति क्या कोई फोक इंस्ट्रूमेंट से हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो मौसीकी है वो सब फोक से ही निकला है भारतीय संगीत का। जो जो आप इसके रूट देखेंगे तो वो फोक है, तो सारंगी का भी रूट सारा फोक इंस्ट्रूमेंट, जिसका मैंने वर्णन किया अभी, एक पिनाकी वीणा करके, तो वो फोक ही बजता था उस पर। और आप राजस्थान जाएंगे तो रावण हत्ता, सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, ये सब फोक वाद्य यंत्र हैं। राजस्थान, राजस्थान में सारंगी, राजस्थानी लोक संगीत, राजस्थान में, गुजरात में भी बहुत है, गुजरात में भी फोक सारंगी बजी है, कश्मीर जाएंगे तो कश्मीरी फोक सारंगी है। जी बिल्कुल, तो ये जो है ये 16th सेंचुरी में हैदरबख्श खान करके एक सारंगी मेकर हुए, जिन्होंने सारंगी को ये शेप दिया और एक क्लासिकल वाद्य यंत्र बन के ये सामने आया और संगत के रूप में इसको लेना शुरू किया और आगे बढ़ता रहा। और असल में इसका जो आप डिफरेंट शक्ल देखेंगे, जो आप कह रही हैं वो जो बैठ के वो फोक सारंगी प्लेयर होंगे कोई, और वो करते थे उसी तरह से। और ये जो है इस पे फोक बजाना मुमकिन है, फोक सारंगी पे क्लासिकल नहीं बजा सकते क्योंकि उसकी ट्यूनिंग थोड़ी मुश्किल होती है, स्ट्रिंग भी नहीं होते, और दूसरा उसमें मिलाने का जो जैसे उसे ट्यून किया जाता है वो इस हिसाब से है कि उस पे हर राग नहीं बजा सकते आप, तो क्लासिकल उसको। तो फोक का थोड़ा सा मैं अंदाज आपको सुनाता हूँ, हाँ नहीं मेरे ख्याल है वो तानपुरा, ठीक है मैंने स्वरमंडल बंद कर दिया है।
एक अंदाज होता है टप्पे का अंदाज, उसमें जैसे पंजाबी वर्ड है टपना, टू जंप, आप उसमें से छलांग लगा रहे हैं, उसी अंदाज की ताने होती हैं और उसी अंदाज से उसकी बढ़त होती है। उसमें जैसे डेढ़ दाने की तान, ढाई दाने की तान, साढ़े तीन दाने की तान, ये अंदाज रहता है उसका। गा 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 रे गा तो ये ढाई दाने की तान हो गई, मा 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 गा मा तो ये भी ढाई दाने की तान। तो इसकी खासियत यह है कि इसमें चाल ऐसी रहेगी कि इसमें आप सुर में ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकते, सुर का आप इसमें कयाम नहीं कर सकते सुर पे ज़्यादा देर। तो ये थोड़ा सा एक मैं आपको उदाहरण के लिए, टप्पे की तान गले से निकालने के लिए इतनी तैयारी चाहिए और गले की सफाई चाहिए, तो सरंगी पे उसकी छाया निकालना कितना मुश्किल है। जी जी जी, जब आप ये आपने सुर और शब्द की बात की तो ऐसा मन में लगा कि आप जब बजाते हैं तो आपके मन में सुर होता है या शब्द होते हैं? दोनों चीजें होती हैं, अगरचे सही तालीम है तो उसके शब्द भी पता होंगे, क्योंकि शब्द सही, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे मन में दोनों चीज़ें रहती हैं, क्योंकि मैं शब्द को ही उजागर कर रहा होता हूँ, उसमें शब्द को ही बजाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और जैसे कि एक ठुमरी, एक कजरी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। भने सारे गा सारे पामा गा सारे गा सा सा ने भने सारे गा गा सा भेज जाऊं मैं पिया बचाए ने यो भेज जाऊं धातिक धिंदे नातिक धातिक तिंदे नातिक धातिक रोके हैं सॉफ्ट हो गए नातिक धात भेज जाऊं पिया बचाने यो भेज जाऊं पिया बचाए लियो भेज जाऊं पिया बरसन लागे बदरिया भेज जाऊं। गाइए गाइए, सुनो चलिए।
છે खमाज तिलक कामुद ठुमरी राजस्थानी लोकगीत ये सब सुन के लग रहा है कि लोक संगीत से बहुत कुछ लोक संस्कृति से बहुत कुछ निर्माण हुआ है और शास्त्रीय संगीत के रूट्स वहीं पे हैं भूमि में। पहले माना जाता था या कहा जाता था कि स्वयं सरस्वती और ब्रह्मा ने हमारे बाप दादाओं को संगीत सिखाया इसलिए हम संगीत करते हैं, पर सत्य ये है कि राग संगीत का विकास ये विकास होने के पहले भी किसान कुछ गा रहा था ना। बिल्कुल कुछ तो गा रहा था। तो ये स्वर समूह जो हैं ऐसे हजार राग हैं जिसमें जिनमें खमाज कहीं छुपा हुआ है। इसलिए वो नेचुरल लगते हैं और नए राग बनते हैं लेकिन हमें लगता है कि ठीक है लेकिन ये दिल को नहीं छू रहा क्यों। भूमि से संबंध वो पक्का संबंध नहीं है वहाँ पे। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ मेरे ख्याल हम समापन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बजाइए एक। अच्छा थैंक यू। बिल्कुल। पर मेरा ये विचार था कि ध्रुपद टकाकु होता है काफी, ठीक है, और सारंगी ये मींड का मींड होती है। आपका भी इंटरव्यू बहुत बड़ी बड़ी मींड होती है। मैंने तो ये ध्रुपद की सारंगी कैसे अलग हो गई जब आप आज अभी जो बजाया ध्रुपद आप ध्रुपद का जो अलाप होता है उसमें मुर्की नहीं होती, उसमें तो सारा मींड का ही काम होता है। उसमें तो आप अगर मुर्की लगा देंगे तो वो ध्रुपद के अगेंस्ट हो जाएगा। मुर्की मना है। मुर्की बिल्कुल मना है। ध्रुपद में तो सारा काम ही मींड का होता है और गमक का काम होता है। तो सारंगी के साथ तो ध्रुपद बहुत मतलब ये कि बहुत आसानी से मतलब ये कि बजाया और मैंने बजाया खान साहब और मेरे वालिद साहब ने बहुत बजाया। तो ऐसा तो मतलब ध्रुपद तो बहुत ही मतलब सारा काम ही उसमें मींड का है। उसमें अगर आप मुर्की लगा देंगे तो वो शुद्धता नहीं रहेगी उसकी या तान मार देंगे आप। ध्रुपद का तो अलाप आप मैंने एक सीडी की थी जी सारंगी मेडिटेशन उसमें मैंने सारे अलाप ध्रुपद अंदाज से किए हैं और चार पहर की सारंगी मैंने हर उसमें खासियत यह है कि जिस वक्त का वो राग है उसी वक्त जाके मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था। वो हेलसिंकी में फिनलैंड से रिलीज़ हुई थी। अवेलेबल है सी? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। वो उसमें आपको मिल जाएगी नेट पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग तशरीफ़ लाए और आनंद भाई ने इतनी अच्छी महफिल सजाई।
आज बारिश होने के बावजूद आप सब लोग आए, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा थोड़ा और बजाइए। अच्छा, एक 10 मिनट ठीक है। यहाँ पे आपने राजस्थानी लोकगीत सुनाया, कह रहे हैं यहाँ पे गुजराती स्नैक्स खाने पड़ेंगे। ये तो हमारे भारत की खूबसूरती है। अच्छा, हमारे मंसूर मियाँ की फरमाइश है कि कुछ सूफी भी सुना दीजिए। कहाँ गए हमारे आनंद भाई? आप तिलक सब छे